हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। क्या प्रॉब्लम हो रही थी? आप लोग असल में टाइम से पहले ज्वाइन कर रहे थे, ठीक है। कोशिश किया करें कि 4 बजे आपकी क्लास है तो 4 बजे ही ज्वाइन करें, या उससे 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद ज्वाइन करें ना। तो मैं तो यहीं हूँ, मैं तमाम क्लासेस ले रहा हूँ। तो इससे पहले आपकी क्लास से पहले भी एक क्लास थी, तो हो सकता है वो क्लास चल रही हो, तो शायद इस वजह से आप हमें ज्वाइन ना कर पाए। तो कोशिश किया करें कि टाइम पर ज्वाइन कर लें, ठीक है। वेयर आर द अदर पार्टिसिपेंट, बाकी पार्टिसिपेंट्स कहाँ हैं? ओके निखत, इकरा, वजीहा कौन रह गया अभी? केमिस्ट्री की क्लास में थी। अच्छा चलें, आ जाएं, सब आ जाएं, 2 मिनट में फिर शुरू करते हैं। कितने लोग थे केमिस्ट्री की क्लास में? वालेकुम अस्सलाम निखत, क्या हाल है आपके? केमिस्ट्री में कितने लोग थे? तो यहाँ 3 क्यों है, बाकी 5 कहाँ हैं? अभी क्लास फिनिश हुई नहीं क्या केमिस्ट्री की? केमिस्ट्री की क्लास फिनिश नहीं हुई? केमिस्ट्री की क्लास फिनिश हो गई है? पासवर्ड डालना नहीं आ रहा। ये कैपिटल में डलेगा ना, जो जैसे लिखा हुआ वैसे कॉपी पेस्ट कर लो, या लिंक पर डायरेक्ट क्लिक कर लेते तो आ जाते यहीं डायरेक्ट। चलो मैं लिंक भी ग्रुप में लिंक भी शेयर कर लेता हूँ। वेट वेट वेट, मुझे लग रहा है कि ये कंफ्यूजन हो रही है थोड़ा पार्टिसिपेंट्स को, थोड़ा सा गिव मी अ टाइम। मैं लिंक ही कॉपी करके ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। असल में यहाँ सब ये सब कैपिटल में, फर्स्ट ईयर B1 सब कैपिटल में है, तो ये क्यों नहीं का टाइप कर पा रहे? 9 सॉरी 9B1 सब कैपिटल में। ओके 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 चलो, अब कौन रह गया? सिर्फ नूरुलैन आ गई हैं और असरा आ गई हैं, इकरा, निखत, वजीहा, वो लेफ्ट। अच्छा अब हो गई, फाइनली आप कनेक्ट हो गए। चलें चलें जनाब, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर। शैल बी स्टार्ट, शुरू करें हम। तो कल आपने जो टॉपिक पढ़ा था कुछ याद है क्या पढ़ा था? हैप्पी शेयर द क्वेश्चन आंसर्स विद यू, आपसे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह शेयर हुए थे। चलें जनाब, आज इसका कुछ काम देखते हैं
और विल ट्राई टू, कल मैंने आपसे कुछ शेयर किया था, आपने फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स दिए थे ना कल, यू हैव आंसर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, हेल्थ इज वेल्थ सर, कल मेरी अभी क्लास में हो गई थी। अच्छा ठीक है, हम देखेंगे आपके लिए क्या कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था जरा बताएंगे, हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर ली थी, हैव वी डन फिल इन द ब्लैंक्स, ओके फिल इन द ब्लैंक्स कर ली थी, क्वेश्चन आंसर्स और जो है वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट नहीं किया था, ओके 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 ओके। तो चलो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू, मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एंड देन वी विल टॉक अबाउट, हम उस पर बात करते हैं। तो सी दिस, कल हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर ली थी, आपको अगर याद हो तो वी हैव कवर्ड दीस फिल इन द ब्लैंक्स, आज आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं, और फिर इसी चैप्टर में से एक और चीज मैं हाईलाइट करूंगा आपको, और आई विल लेट यू अंडरस्टैंड कि क्या कहलाते हैं और इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है, व्हाई डिड काशिप मदर रिफ्यूज टू, काशिप्स मदर रिफ्यूज टू बाय स्वीट्स फ्रॉम द फर्स्ट शॉप, काशिप की वालदा ने पहली दुकान से मिठाई खरीदने से क्यों इनकार कर दिया था, काशिप्स मदर रिफ्यूज टू बाय द स्वीट्स फ्रॉम द फर्स्ट शॉप बिकॉज फ्लाइज वर सिटिंग ऑन देम, क्योंकि उन पर मक्खियां बैठी हुई थी, इस वजह से काशिप की वालदा ने इनकार कर दिया था क्या करने से, मिठाई खरीदने से। What do dust and flies carry? Dust और flies जो हैं वो क्या करती हैं? Dust and flies carry hundreds of germs and they are enemies to our health. कल भी हमने बात की थी। गर्दो गुबार में dust यानी गर्दो गुबार और flies मक्खियां, ये बेशुमार किस्म के जरासीम रखती हैं अपने अंदर, और जरासीम को आप जर्म्स कहते हैं और वो हमारी दुश्मन होते हैं। अच्छा आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अपने आप को प्लीज करें, जब आपको कुछ बोलना हो तो जब ठीक है, लेकिन अभी खैर कल की क्लास सेंड कर दें। अच्छा अभी तो खैर आज की क्लास तो लीजिए इतना फातिमा साहिबा, उसके बाद देखेंगे हम कल की क्लास का। चलें तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, काइंडली कोशिश किया करें कि आप लोग अपने आप को म्यूट रखा करें, जब आपकी जब आपको कुछ बोलना हो तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, फिर आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, ठीक है, अदरवाइज म्यूट रखो ताकि आपका जो बैकग्राउंड नॉइज है वो हम तक ना आए और क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो, यानी पीछे का बैकग्राउंड नॉइज आपकी घर में जो बातें हो रही होती हैं वो ब्रॉडकास्ट हो रही होती हैं यहाँ, तो कोशिश किया करें जब बोलना हो तो जब आप सिर्फ इसको अनम्यूट करें, अदरवाइज म्यूट रखें। खैर आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन, आपको कुछ कहना हो तो कमेंट्स में लिखिएगा प्लीज, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा आपसे शेयर कर रहा हूँ। हाउ आर डिजीजेस कॉज, बीमारियां कैसे फैलती हैं, बीमारियां फैलने की वजह क्या है, डिजीज आर कॉज बाय जर्म्स, बीमारियां जरासीम से फैलती हैं। व्हाट आर जर्म्स, जर्म्स क्या होते हैं, जर्म्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, कल हमने बात की थी नेकेड आई मतलब इंसानी आंख, यू कैन सी देम थ्रू अ माइक्रोस्कोप, इन्हें किससे देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप, कल आपको दिखाया भी था, दीज जर्म्स आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ, और ये जर्म्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होते हैं हमारी सेहत के लिए। ठीक है, हाउ डू फ्लाइज कैरी जर्म्स टू फूड, हाउ डू फ्लाइज कैरी जर्म्स टू फूड, मक्खियां गिजा तक जरासीम कैसे पहुंचाती हैं, कैसे लेकर आती हैं, flies sit in on dirty things, there are germs on these things, मक्खियां जब गंदी चीजों पर बैठती हैं तो उनमें जरासीम होते हैं और वो जरासीम जो है वो उनके पाँव पर चिपक जाते हैं, और जब वो पाँव पर चिपक जाते हैं तो they stick to their flies leg, और when the these flies sits on our water or food, जब वो मक्खियां उन गंदे पैरों के साथ हमारे कहाँ हमारी खाने पर और हमारी गिजा पर बैठती हैं तो वो वहां ट्रांसफर हो जाते हैं, the germs they are carrying a stick on it, और वो हमारी गिजा पर चिपक जाते हैं, and when we eat that food they enter our bodies and thus we fall ill, और इस तरह हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं।
द सेंस इज कि इस वजह से हमारे पास ये इस तरह मक्खियां जो है जरासीम फैलाती। हाउ डू वी गेट मलेरिया, हाउ डू वी गेट मलेरिया? हाँ भाई, ये कौन है भाई, जल्दी से बताओ। वैसे मुझे भी तुम्हारा नाम पता चल गया, आ गया स्क्रीन पर, आ गया नेम। चलो, सो व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट, हम क्या बात कर रहे थे, ये बीमारियां कैसे फैलाते हैं। हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ मलेरिया, हम मलेरिया से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। वी कैन गेट रिड ऑफ मलेरिया बाय नॉट अलाउइंग एनी काइंड ऑफ स्टैग्नेंट वाटर नियर द हाउस। अगर हम मलेरिया से छुटकारा पाना चाहते तो हमें चाहिए कि अपने घर और आसपास के इलाके में गंदा पानी खड़ा होने ना दे। द लास्ट मैटर टू गेटिंग रिड ऑफ मॉस्किटो इज टू स्प्रे केरोसिन ऑयल और डीडीटी। और हम क्या करें, मट्टी के तेल का और डीडीटी। कोई बताएगा मुझे डीडीटी मैंने किसका एब्रीविएशन बताया था, जरा कमेंट्स में बताइए जल्दी से। डीडीटी स्टैंड फॉर, डीडीटी स्टैंड फॉर, डीडीटी किसको बोलते थे कमेंट में बताइए, क्या नाम था। डीडीटी स्टैंड फॉर डाइक्लोरो डाइफिनाइल, आधा है ये। और इसके बाद क्या था, वेरी गुड, शाबाश हरी रजा। डाइक्लोरो डाइफिनाइल और क्या था आगे, ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन था, ठीक है। अच्छा जनाब, How can we get rid of malaria? Achha, why was the second shop dirty? What did Kashif mother? Why did Kashif mother refuse to buy sweets from the second shop? The second shop was dirty because the sweets in the shop were covered with a layer of dust below by a man sweeping the road by the shop. और उसके बाद क्या था कि भाई जो second shop थी वहाँ एक बंदा जो है वो झाड़ू दे रहा था और स्वीपिंग कर रहा था, और उस स्वीपिंग करने की वजह से गर्द गुबार उठकर कहाँ बैठ रहा था, सारा का सारा मिठाइयों पर बैठ रहा था। इस वजह से वालदा ने मना कर दिया था कि यहाँ से ना ले। ओके, क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, इजी टू अंडरस्टैंड, यहाँ तक कोई मसला, किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे चलें। अच्छा, लेट्स सी, मैं वापस आपके जो है वो टेक्स्ट पर आता हूं। इसमें एक और चीज जो समझने वाली है इसी टॉपिक के अंदर, उस पर हम बात करेंगे कि इसमें एक और चीज है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेंस में मुझे समझानी है, और वो चीज क्या है। आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू, वेट फॉर अ वाइल। मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ओके जनाब। आप जरा देखिएगा, मैं कुछ चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं इसमें, ठीक है। आपने गौर से देखना ये चीजें क्या कहलाती हैं, अगर किसी को इसका नाम पता है तो प्लीज बताइएगा कमेंट्स में। मैं कुछ चीजें आपको अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, और आपने मुझे बताना है कि मैंने ये क्या अंडरलाइन किया। जी जनाब, देखिएगा मैं क्या अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, और फिर मुझे बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। शुड
shall out not cannot. जी आप में से किसको पता है व्हाट आर दीज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब? श्योर? आर यू श्योर अबाउट कि ये हेल्पिंग वर्ब है या इनका कोई स्पेसिफिक नेम है? क्या कहते हैं आर इनका कोई स्पेसिफिक नेम है ये? दे आर ऑल दे ऑल आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब? जी बताइएगा क्या कहलाते हैं? एनी आइडिया क्या कहलाते हैं? मॉडल वर्ब्स. यस मॉडल की स्पेलिंग क्या होती है? मॉडल वर्ब्स. मॉडल और मॉडल MODAL मॉडल. MODAL मॉडल वर्ब. Yes, model verbs. ठीक है model verbs. अब see this, इसके बारे में हम थोड़ी सी discussion करेंगे और I will let you know कि इसमें model verbs का क्या किरदार होता है और model verbs क्या काम कर रहे होते हैं. Model, कुछ idea है model verbs क्यों use करते हैं? Any idea about model verbs क्यों use करते हैं, कहाँ use होते हैं? कोई आइडिया? कुछ आइडिया है मॉडल वर्ब्स कहां यूज होते हैं? चलें ये तो समझ आ गया दे आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स. यहां तक क्लियर है ना चीजें कि दे आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स. ठीक है मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल क्या होता है क्यों होता है तो उसके लिए एक वीडियो वॉच करते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है और व्हाट इज द सेंस हियर. ठीक है मैं आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूं जरा इसको सुनिएगा और ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है इसको वॉच कीजिएगा और कौन कौन से हमारे पास मॉडल वर्ब्स होते हैं उस पर भी हम बात करेंगे. ठीक है चलें जनाब. द मॉडल वर्ब्स What are you going to do here, Grandma? What are you going to do here, Grandma? Dadi Jaan, aap kya kar rahi hain yahan? Well, I'm going to make pizza. I'm going to make pizza. Can I help you? Aapne zara structure gaur se dekhna hai. Theek hai, can I help you? Structures ko zara gaur se dekhiyega khaas taur par is cheez ko is jo ये आपके पास स्ट्रक्चर है कैन आई हेल्प यू. आपने इसको बहुत गौर से अंडरस्टैंड करना है. कैन आई हेल्प यू क्या मतलब होगा इसका? कैन आई हेल्प यू एनी आइडिया अबाउट क्या मतलब होगा इसका? बताएं जरा मुझे क्या मतलब होगा इसका. कैन आई हेल्प यू? कैन आई हेल्प यू क्या मतलब होगा? कमेंट में बताइए. कैन आई हेल्प यू? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ क्या मैं आपकी मदद करूं या मैं क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? ठीक है क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? आई कैन हेल्प यू मैं आपकी मदद कर सकता हूं. क्लियर हुआ? तो जरा सा गौर से खास तौर पर इन मॉडल वर्ब्स को देखिएगा. इस कन्वर्सेशन को सुने गौर से यू विल गेट एन आइडिया कि किसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है. दे आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर सेंटेंसेस. ठीक है तो इसका क्या मतलब है? कैन आई हेल्प यू क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं या क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं. ओके नाउ कंटिन्यू विद द सेम. हेल्प यू? यस ऑफ कोर्स बट यू शुड वेयर एन एप्रन. ओके यस ऑफ कोर्स बट यू शुड वेयर एन एप्रन. ये देख रहे हैं ये एप्रन कहलाता है ना. जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं तो ये एप्रन पहनते हैं आप. तो वो क्या कह रही है? तुम्हें एप्रन पहनना चाहिए. यू शुड है ना एडवाइस. अब देखें
अगर आप गौर करें तो जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप कोई परमिशन ले रहे हैं इनफॉर्मल मैनर में, तो आप कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब एडवाइस कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस नसीहत कर रहे हैं, तो आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, शुड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको गौर से समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल। परफेक्ट। फर्स्ट वी मस्ट मिक्स एवरीथिंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डो। फर्स्ट वी मस्ट मेक, अब ये मस्ट भी क्या है, जब हमारे पास ऑब्लिगेशन होता है ना, कोई काम करना ही है, और अगर नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। जैसे मिसाल के तौर पर यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, अगर ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करोगे तो पुलिस वाला आपका चालान कर देगा, समझ रहे हो। तो आपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, तो आप क्या लगाते हो, मस्ट, ऑब्लिगेशन। यू मस्ट पुट योर सेल ऑन वाइब्रेशन ड्यूरिंग क्लासेस, क्लास के दौरान आपने अपने सेल को वाइब्रेशन पर रखना है, अदरवाइज यू विल बी सेंट ऑफ, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहां जहां ऑब्लिगेशन होती है तो वहां मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी मस्ट रोल द डो विद द रोलिंग पिन। कैन आई डू इट प्लीज? क्या मैं ये कर सकता हूं? यस ऑफ कोर्स। नाउ वी आर गोना टॉप इट विद टोमेटो सॉस, चीज, onion, bacon and mushrooms. Can I slice the onion? No, you should. Can I slice the onion? Yeah, main pyaaz kaat sakti? You shouldn't. Nahin, nahin, tum nahin kaato pyaaz. Tumhe rona aa jayega. Why not? Why not? Because your eyes may start to burn. Your eyes may start to burn. Tumhari aankhein jalna shuru ho sakti hain. Isme kya modal verb hai? May. देख रहे हैं ये रेड मार्क जो है, रेड निशानात जो है, वो बता रहे हैं कि ये मॉडल वर्ब्स हैं। And tears may run down your face, but you can cut the bacon. But you must be careful with a knife, and you shouldn't cut it so fast. You must be careful. तुम्हें बहुत एहतियात करनी चाहिए, अदरवाइज तुम अपना हाथ काट लोगे। And you shouldn't cut it so fast. तुम्हें इसे बहुत तेजी के साथ नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हारा हाथ कट सकता है, है ना? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? इजी, यहां तक की बात समझ आई? रिस्पेक्ट के लिए मे यूज, हाँ बिल्कुल होता है, रिस्पेक्ट के लिए भी होता है और दुआ के लिए भी होता है, बताएंगे आपको सारे यूज बताएंगे। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बी ब्लेस्ड विद अ बॉय, कि अल्लाह ताला तुम्हें लड़का अता करे, है ना। मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र दराज करे। तो मे दुआ के लिए भी इस्तेमाल होता है, और मे जो है वो किसके लिए, परमिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। मे आई सिट यू, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इन जो फॉर्मल परमिशन होती है उसके लिए भी मे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने कौन कौन से देखे जरा बताएंगे, कौन कौन से मॉडल वर्ब देखे, मे, कैन, शुड, शुडेंट, should, हाँ should not या shouldn't, एक ये must और could का कोई सेंटेंस आया था क्या? हाँ could का कोई सेंटेंस नहीं आया अभी। अच्छा अब मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा जरा, क्या मैं ये खा सकती हूँ, क्या मैं ये खा सकती हूँ, कैसे बोलूं, how can I say, क्या मैं, can I eat it, very good, बिल्कुल सही है। अच्छा क्या मैं बाहर जा सकता हूं सर, सर क्या मैं बाहर जा सकता हूं, कैसे बोलूं, सर, सर, सर से बात कर रहे हैं, फॉर्मल होंगे इनफॉर्मल होंगे, कैन आई गो आउटसाइड होगा या मे आई गो आउट, क्या लगाना चाहिए, फॉर्मल, मे आई गो आउट सर, है ना, फॉर्मल सेंस है ना। जब आप अपने से बड़ों से रिस्पेक्टेड मैनर में बात करते हैं तो आप मे के साथ परमिशन, कैन आई प्ले विद यू, क्या मतलब होगा, कैन आई प्ले विद यू, कैन आई प्ले विद यू, क्या मतलब होगा, क्या मैं तुम्हारे साथ, क्या मैं आपके साथ खेल सकती हूं, वेरी गुड, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन, आगे देखते हैं, फिर मैं वीडियो दोबारा शेयर कर रहा हूं और विल कंटिन्यू द सेम, और देखते हैं व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, ठीक है।
must put it in the oven. How long should we bake our pizza? How long? हमें कितनी देर अपने पिज़्ज़े को पका गरम करना चाहिए, बेक करना चाहिए? We shouldn't bake it for more than 15 minutes. It could get burned. It could get burned. वो जल सकता है. जल सकता है. It could get burned. वो जल सकता है. अगर ज़्यादा 15 मिनट से ज़्यादा ओवन में रखेंगे तो वो क्या हो सकता है? जल सकता है. The pizza must be ready now. Let's take a look. Grandma, is the pizza ready? It smells delicious. You must wash your hands before you. You must wash your hands, है ना? तुम्हें अपने हाथ धो लेने चाहिए खाने से पहले. Before you eat, खाने से पहले अपने हाथ धो लेने. You eat. Let's eat pizza now. You must be very hungry. Yeah, we are. Grandma, could you pass me the ketchup, please? Of course. Here you are. Thanks. Would you like some more? No, thanks. I would like an ice cream now. Okay, yahan tak samajh aaya? Yahan tak koi confusion kisi ko? Koi sawal kisi ka? Anyone wants to ask something? क्लियर हो रहा है? ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है. ओके, वेरी वेल. गिव मी अ मिनट. हाँ, बताता हूँ. बिल्कुल गुड. जो है वो फॉर्मल रिक्वेस्ट में यूज होता है, मोर फॉर्मल. कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज? क्या आप मुझे नमक पास कर सकती हैं? ठीक है, तो उस सेंस में यूज होता है. वन बाय वन सारे करेंगे, कोई जल्दी नहीं है. अभी सिर्फ हमने किस पर वर्क किया है? कैन पर वर्क किया है, और शुड पर वर्क किया है, मस्ट पर वर्क किया है, शुड नॉट पर वर्क किया है ना. अच्छा, वेट फॉर वाइट. एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन. एक मिनट का जरा आप गैप लीजिएगा. जस्ट वेट फॉर वाइट. जस्ट वेट फॉर वाइट. यस यस. तो व्हाट वर वी डिस्कसिंग अबाउट? हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? हमने किसकी बात कर ली? कैन की बात कर ली, मे की बात कर ली, और शुड की बात कर ली, शुडन की बात कर ली, और मस्ट की बात कर ली. अब कुड, कुड और सॉरी वुड. वुड हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, वुड भी बेसिकली सजेशन के लिए इस्तेमाल होता है. और वुड का एक सेंस पास्ट भी है, यानी वुड पास्ट स्ट्रक्चर में भी इस्तेमाल होता है. कैसे इस्तेमाल होता है अभी हम बात करते हैं. पहले हम वुड को देख रहे हैं सजेशन में. मिसाल के तौर पर आप किसी के घर मेहमान जाते हैं, ठीक है, तो वो आपसे पूछते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव. आप क्या लेना पसंद करेंगे? What would you like to have? तो आप कहते हैं I would like to have drink, I would like to have coffee. Would you like to have coffee or tea? आप कहते हैं I would like to have tea.
तो उस सेंस में जो है आपके पास क्या होता है, आप जो है वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप वुड जो है परमिशन, यानी पॉजिटिव सेंस में, इस सेंस में आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे वीडियो देखें, फिर हम और डिटेल डिस्कशन करते हैं इस पर। यस, एंड रोलर स्केट्स टू। It's so great that you can roller skate, Michelle. I wish I could do it too. It must be terrific. Don't worry, I will teach you soon. But you can ride your bike without training wheels now. That's great too. You should be content with that for now. Look at these beautiful flowers. Can I pick them, Grandma? No, you mustn't pick the flowers. Can I drink water from this fountain? No, you shouldn't drink water from that fountain. It's not fountain किसको कहते हैं? फव्वारे को कहते हैं। Healthy. You might get sick. आप देखें, एक और आ गया। बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर आपने बुक में भी पढ़ा ना? बुक में भी आपने पढ़ा ना? You might fall ill. देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो लाइन हमारी बुक में थी, you might get ill. देखिएगा मैं स्विच कर रहा हूं, बुक में देखिएगा ये था ना, यू माइट फॉल एल, या सॉरी इफ ही माइट बाय सम, या माइट बाय सम था ना। अच्छा, हमने माइट को अंडरलाइन नहीं किया था, ही माइट बाय सम, शायद वो कुछ खरीद सके, माइट, तो कहीं तुम बीमार पड़ जाओ, माइट शायद तुम बीमार पड़ जाओ, इस सेंस में यूज होता है। तो लेट्स सी हियर, यहां क्या आ रहा है, यहाँ देखिएगा हमारे पास आ रहा है माइट, यू माइट गेट इल, तुम बीमार पड़ जाओगे। इट इज नॉट हेल्दी, यू माइट गेट सिक, ठीक है, तुम बीमार पड़ जाओगे। चल वाटर, यू कैन मेक अ विश, इट माइट कम ट्रू, शायद तुम्हारी वो ख्वाहिश क्या हो जाए, पूरी हो जाए। Grandma, will you buy me a chocolate ice cream, please? क्या आप मुझे चॉकलेट आइसक्रीम खरीद देंगी? Will, future action है. Will जो है वो future action के लिए इस्तेमाल होता है. Grandma, will you buy me a chocolate ice cream, please? क्या आप मेरे लिए चॉकलेट आइसक्रीम खरीदेंगी? Please, will का इस्तेमाल आ गया. Yes, of course. Yes, of course. I would like a vanilla ice cream. ये देखिएगा आ गया would. अभी हम इसी पर बात कर रहे थे ना? I would like a vanilla ice cream. मुझे, मैं क्या खाना पसंद करूंगी? I would like a vanilla ice cream. मैं एक vanilla ice cream लेना पसंद करूंगी. Clear हुआ? तो ये I would like to stay here. मैं यहाँ रहना बेहतर समझूंगी, पसंद करूंगी. I would like to talk to you. मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ. Hello. Hello. May I help you? May I help you? देखो formal manner में है ना, may I help you? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? Sir, can I help you का भी तो मतलब यही होता है. हाँ बिल्कुल होता है, definitely मैंने यही कहा है कि भाई can I help you का भी मतलब क्या होता है? Can I help you का भी मतलब होता है क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ. But क्या difference है? Can I help you? Yes, definitely. ये इसका मतलब भी यही है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ. बट व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस ये है जनाब कि ये जो है ये इनफॉर्मल है, गैर तकल्लुफाना अंदाज है, इनफॉर्मल मैनर है. इनफॉर्मल मैनर में हम क्या कहते हैं, कैन आई सिट हियर, कैन यू हेल्प मी. और जब हम बात करते हैं कि इसकी इनफॉर्मल मतलब गैर तकल्लुफाना अंदाज, गैर रस्मी अंदाज, लेकिन जब हम रस्मी अंदाज में बात करते हैं, फॉर्मल मैनर में बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, मे आई हेल्प यू. फॉर्मल मैनर, रस्मी है ना, जहां गुफ्तगू सोच समझ के बोली जाती है, फॉर्मल मैनर, फॉर्मल मैनर, मे आई हेल्प यू. तो मे आई हेल्प यू फॉर्मल मैनर है, कैन आई हेल्प यू इनफॉर्मल मैनर है. ठीक है, तो डिफरेंस समझ आया, मे आई हेल्प यू और कैन आई हेल्प यू. मे आई हेल्प यू, जनाब मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, और कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ.
ये इनफॉर्मल है कैन आई हेल्प यू और मे आई हेल्प यू फॉर्मल है. यहां तक कोई कंफ्यूजन? कमेंट्स करके बताइए प्लीज. चैट बॉक्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मे शो रिस्पेक्ट. यस 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 यस. अभी वो चॉकलेट मांग रहे. ठीक है ओके क्लियर हो गया. अभी वही तो ये सेंस है मे और कैन का डिफरेंस. ठीक है चलें जनाब आगे बढ़ते हैं. I would like 3 single cones of ice cream, please. I would like, है ना? देखो फिर suggestion आ गया. 3 single scoop of ice cream, please. Single scoop. ये देखें. Single scoop और double scoop पता है ना? Single cone, double cone. तो वो. I would like 3 single cones of ice cream, please. May I have a double cone, grandma? May I have a double cone, grandma? देखो अपनी grandma से बोल रही है, respected manner में बोल रही है, तो कह रही है क्या मैं double cone ले सकती हूँ, grandma? You shouldn't eat so much. तुम्हें ज़्यादा ice cream नहीं खानी चाहिए because you can get a sore throat. Sore throat पता है गले का दर्द. Sore throat मतलब गला गले में दर्द. You can get a sore throat. What flavor would you like? आप कौन सा flavor लेना पसंद करोगे? I would like vanilla, chocolate and strawberry. Flavor, please. The ice cream was delicious, but I don't like the cone. You mustn't throw rubbish on the ground, Alice. तुम्हें ज़मीन पर कुछ नहीं फेंकना चाहिए, Alice. Plus, you must throw it into the garbage can. तुम्हें इसे कहाँ फेंकना चाहिए? Garbage can. You mustn't climb up the slide. You may hurt yourself. तुम्हें चोट लग सकती है, है ना? Possibility. यहाँ possibility बताई जा रही है. क्या? Possibility. ऐसा हो सकता है. You may hurt yourself. तुम्हें चोट लग सकती है. You may hurt other kids. तुम दूसरों को भी जख्मी कर सकती हो. तो यहाँ may जो है वो possibility के sense में इस्तेमाल हुआ है. Possibility के लिए भी हम may का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है? And you may hurt other kids too. You may hurt other ladders kids too. Are for climbing. Alice, you must wait your turn. Clear? यहाँ तक कोई confusion, कोई problem किसी को? Easy है सारी चीजें. Formal और informal का मतलब होता है, देखो हम अपने दोस्तों में बैठकर बात कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा informal language use करते हैं, है ना? सहेलियों में बात हो रही होती है तो कैसा अंदाज होता है जरा बताओ मुझे, है ना? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, जरा सहेलियां आपस में बात करें, दो तीन सहेलियां जरा बात करें अपने आपको, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जरा बोल कर दिखाएं कैसे बोल रहे होते हैं, सहेलियों के साथ बातें कैसे होती हैं, बोलें जरा. यस प्लीज. होता है ये सब चीजें के इतनी तमीज से बात नहीं की जाती सहेलियों से, तमीज से बातें की जाती है, है? नहीं झूठ झूठ झूठी क्या कर रही है तू, है ना? अंदाज होता है ऐसा अंदाज होता है ना, है ना? तुम यूज करते हैं, आप यूज नहीं होता दोस्तों में, है ना? हाँ हाँ हाँ, तुम करके बात कर रहे होते हैं और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इनफॉर्मल मैनर होता है तो इसको बोलते हैं गैर तकल्लुफाना अंदाज. लेकिन जब हम बोलते हैं पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं, बड़ों से बात कर रहे होते हैं, टीचर्स से बात कर रहे होते हैं, तो वी शुड केयर अबाउट आवर वर्ड्स. हम बहुत ख्याल करते हैं अपने अल्फाज का, जो है वो इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कर रहे हो, यानी बहुत रिस्पेक्टेड मैनर में बात कर रहे हो. तो नूरुलैन फॉर्मल का मतलब है बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड मैनर में, और इनफॉर्मल का मतलब होता है दोस्ताना अंदाज में. ठीक है, तो दोस्ताना अंदाज में हम इस तरह थोड़ा जो है ना वो वल्गर लैंग्वेज भी यूज कर लेते हैं, थोड़ा अबे तबे जबान भी यूज कर लेते हैं, तो वो जो है वो इनफॉर्मल मैनर कहलाता है. तो अब कैन आई सिट, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हियर सर? सर क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? महज़बाना अंदाज जिसको कहते हैं, और बहुत ही ज्यादा फॉर्मल हो, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट में हो, तो फिर हम कहते हैं could I sit here please? Could बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड मैनर में, तो फिर could का भी इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा सुनो, ये लास्ट मिनट चल रहा है, ये मीटिंग फौरन एंड हो जाएगी, जैसे ही एंड होती है तो इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से दोबारा ज्वाइन कर लेना,
पासवर्ड कैपिटल है ये IX-B1 कैपिटल है, ठीक है ना, तो इसी से ज्वाइन कर लेना दोबारा, ये लेस देन